हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखा था, ठीक है, तो आज हम देखेंगे ना कि ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये कहाँ पे बिहार में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे बिजली की ज़्यादा खपत हो रही है, क्योंकि ना ये सारे क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है तो हमारे लिए ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज की क्लास में इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? अगर आपने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा है तो आप इसको एग्ज़ाम में गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम जनरली क्या जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। बट नहीं, अकॉर्डिंग टू बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये जगह किसने प्राप्त कर ली है, तो पश्चिम चंपारण ने प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुई है 2021-22 में, तो आपका आंसर होगा पश्चिम चंपारण, फिर किशनगंज है, देन पूर्वी चंपारण है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो अरवल है, जो कि हमारा 38वां जिला है, जहानाबाद से जो कटकर बना है, फिर रोहतास है और देन मुंगेर है। अगर देखो कि बिजली की सर्वाधिक खपत कौन करता है, तो जाहिर सी बात है राजधानी है, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का जो लाइफ भी होता है, लाइफस्टाइल भी उसी तरीके का होता है। तो ना बिजली की सर्वाधिक खपत जो है पटना में होता है, फिर उसके बाद गया में और फिर मुजफ्फरपुर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि चावल के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो चावल के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान में, तो वो रोहतास है, ठीक है। अगर चावल के उत्पादन में भी पूछा जाए तो रोहतास है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ठीक है, लास्ट वाले में उत्पादकता, तो चावल के उत्पादन में भी रोहतास है और उत्पादकता में भी कौन है, तो रोहतास ही है, इसको याद रखिएगा। फिर हम आगे वाले क्लास में देखेंगे गेहूं में कौन उत्पादन में है, उत्पादकता में है, मक्का में कौन है, मछली में कौन है, आम में कौन है, सब कुछ को देखेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो टॉप 20 करेंट अफेयर्स है उसको हम देखते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता। ये पता है, ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जो इसका आयोजन हुआ था गोंडा में, यूपी में है, जो कि एक प्लेस गोंडा, तो ना हमारे जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ की निर्जला कुमारी है, उसने क्या किया है, 49 किलोग्राम में जो कुश्ती प्रतियोगिता थी उसमें 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल लेके आई है, ठीक है। तो सिल्वर मेडल आपको पता है ना कि अच्छा खासा मतलब ये होता है, तो आपको क्या याद रखना है, निर्जला कुमारी 49 किलोग्राम, रजत पदक, और कहाँ की है, तो बेगूसराय की है। उसके बाद है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। अगर हम इसको देखें तो इसको जारी करता है नीति आयोग, किसके मदद से, तो स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व बैंक की सहायता से नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें अगर प्रथम स्थान पर हम देखें तो प्रथम स्थान पर इस पर केरला है, ठीक है, और हमारे बिहार की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, सबसे नीचे है हमारा बिहार, ठीक है, 19वें रैंकिंग पे है। लेकिन बहुत डायलेमा लगता है, इसलिए डायलेमा लगता है ना क्योंकि आप देखो बिहार जो है मुफ्त दवा बांटने में उसकी रैंकिंग सेकंड आई है, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर बिहार है, और यहाँ पे स्वास्थ्य सूचकांक में उसका सबसे अंतिम स्थान है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डायलेमा जैसा लगता है, बट कोई नहीं, हमें तो देखना ही है ना। तो याद रखना स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो 19वीं रैंकिंग मिली है, जो कि सबसे लास्ट है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार को पता है कौन सा स्थान मिला है, साइंस में ना इनोवेशन करने के लिए हमारे बिहार को फर्स्ट रैंक मिला है, तो ये बहुत वीवीआई हो जाता है, क्योंकि अगर बिहार किसी चीज़ में अव्वल पे है ना, तो जाहिर सी बात है उनको भी प्राउड फील होगा क्वेश्चन सेट करने में, तो वो दे सकते हैं क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पे कर्नाटका है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है चैम्पियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ये भी नीति आयोग के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। कब जारी किया गया था, तो 8 फरवरी 2023 को। इसमें क्या होता है ना कि कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत की शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले हैं, ठीक है, किसमें, तो कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में। तो हमारा बिहार का जो बांका है वो प्रथम नंबर पे है, और द्वितीय स्थान पे कौन है, तो कटिहार है।
देन है मानक संचालन SOP, ये क्या है? तो इसको स्वास्थ्य विभाग जो है वो जारी करता है बीमार नवजात बच्चों की देखभाल के लिए, जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मानक संचालन जारी किया गया है। इसमें क्या है ना कि बच्चे को अस्पताल में जब भर्ती करते हैं उस टाइम से लेकर छुट्टी किए जाने तक, मतलब उसको जब डिस्चार्ज करते हैं उस टाइम तक अस्पताल प्रशासन ने क्या क्या किया है उसको शामिल किया जाएगा। किसमें? तो मानक संचालन में, जिसको किसने जारी किया है? तो स्वास्थ्य विभाग ने। दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप, इसका आयोजन ना ईरान में होने जा रहा है, जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जो है। और इसमें ना हमारे इस कबड्डी में हमारे पटना के सागर कुमार का चयन हुआ है। तो सागर कुमार जो कि पटना के हैं वो ईरान में जो जूनियर वर्ल्ड कबड्डी होने वाला है ना उसमें वो चयनित हुए हैं। बिहार राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कौन बन गया है? तो बाबरचक गांव बन गया है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट विलेज बना है, बिहार का पहला है। तो बिहार का पहला स्मार्ट विलेज कौन सा है? तो बाबरचक है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तो बांका में अवस्थित है। हाथी पाव जो होता है, हाथी पाव एक बीमारी है, ठीक है। हाथी पाव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है पूर्णिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप दिव्यांगता की श्रेणी में रख रहे हो किस चीज़ को? तो हाथी पाव जो मरीज है उनको, तो ऐसा करने वाला ये बिहार का पहला जिला बन गया है, कौन? पूर्णिया। अगर पूर्णिया से हम कुछ और फैक्ट्स को देखें तो बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो पूर्णिया में लग रहा है। दूसरा कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। और हम देखें तो बिहार का दूसरा जो रॉडलर प्रभाव है, ठीक है, वो कहाँ पे लग रहा है? डॉपलर प्रभाव, वो लग रहा है आपका पूर्णिया में। और पहला कहाँ पे है? तो पटना में है। नेक्स्ट है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसका निर्माण किया जा रहा है फतुहा में, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? तो पटना में। अब आप सोचोगे कि मैम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा ना कि हम ईजिली जो है एक उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जा रहा है। बिहार के, पता है, बिहार के दो ऐसे ज़िले हैं ना जहाँ पे अब कोई बच्चा जो है स्कूल से बाहर नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूल की भी बात हो रही है। कौन सा दो ज़िले है जहाँ के सारे बच्चे स्कूल जाने में सक्षम हो पा रहे, कोई स्कूली शिक्षा से वांछित नहीं है, ठीक है, वंचित नहीं है? तो वो कौन सा है? अरवल और सिवान है। रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू चौथे कृषि रोड मैप, इसका ना ड्यूरेशन आप एकदम रट लेना। चौथे कृषि रोड मैप का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है ये और 31 मार्च 2028 को समाप्त हो जाएगा। तो ना इसके तहत बिहार के 38 जिलों में रसायन मुक्त खेती की योजना बनाई जा रही है, ठीक है, मतलब जो फर्टिलाइजर होता है ना, अब यहाँ पे जैविक खेती करने की बात की जा रही है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, ठीक है, अभी वर्तमान का देखा जाए तो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, सारण, भागलपुर, कटिहार शामिल है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 13 याद रखना कि अभी वर्तमान में 13 जो है वहाँ पे जैविक खेती की जा रही है और 38 का प्रस्ताव रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, बट BPSC क्या करती है ना, किसी के नाम को लेकर उससे स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन पूछ देती है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के पद पे कौन आसीन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? तो अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाए गए हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता जो अमर्त्य सेन हैं उनके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के चौथे चांसलर बने हैं, कौन? तो अरविंद पनगड़िया। इसे आप एक पॉइंट जरूर याद रखना, चांसेस है क्वेश्चन बनने के कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट है राम जानकी राजमार्ग, बहुत ही VVI है। इस मार्ग पे सिवान से मशरक तक
कितने लेन की? तो 4 लेन की सड़क बनेगी, जो किसको किसको जोड़ेगा आपस में, तो यूपी को जोड़ेगा, बिहार को जोड़ेगा और नेपाल को जोड़ेगा। तो क्या फैक्ट याद रखना है सबसे पहले आपको, कि राम जानकी मार्ग जो है वो सिवान से मशरक तक चलेगी और 4 लेन वाली सड़क है ये, जो जोड़ेगी 2 राज्य को और 1 देश को, बिहार, नेपाल और क्या नाम है आपका, यूपी को जोड़ेगी। यह सड़क यूपी में अयोध्या से शुरू होती है और खैरोना घाट के पास देवरिया जो है वहाँ पे बिहार बस्ती बहललगंज तक जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 247 किलोमीटर का हाईवे जो है वो बिहार में आपको देखने को मिलेगा। 73वां महाबोधि कॉरिडोर लाल गुलाबी पीले पत्थरों से निर्मित होगा। तो बोधगया में ना बनारस का जो काशी विश्वविद्यालय है ना, उस कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसकी खासियत ये होगी ना कि लाल गुलाबी पीले पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा। किसका? तो महाबोधि टेम्पल का, मतलब महाबोधि सॉरी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और जो पत्थर है ना वो राजस्थान से लाए जाएंगे, ये भी याद रखना, स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप देखो कि ये महाबोधि जो मंदिर है उसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, और छोड़ दिया, शोक लिख दिया इसने, 2002 कुछ एरर है, तो मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करो। कभी कभी अब टाइपिंग ही तो कर रहे हैं वो लोग, तो कभी कभी एरर हो जाता है, तो हम क्लास के दौरान इसको सही कर देते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ पे रहोगे डिपेंड, तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा गलत पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, कितने मिनट, 15 मिनट तो आप ऐसे ही गवा देते होंगे इधर उधर, ठीक है, कुछ करने में, रील्स देखने में चला जाता होगा, तो क्यों ना 15 मिनट ऐसी जगह दिया जाए जहाँ से हमें आउटकम अच्छा मिले। तो 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको क्या किया गया था, समाहित किया गया था। बिहार के 3 जिलों में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ कहाँ खुलने जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ये गया में खुलेगा, दरभंगा में और बांका में। ये कृषि रोड मैप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिहार में कृषि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए जो है गया, दरभंगा और बांका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? तो गया, दरभंगा और बांका में। पिछले वर्ष क्या हुआ था, नालंदा के चंडी में सब्जियों का और वैशाली के देसरी में फलों के पौधों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा चुका है। महिला कर्मियों को 2 दिन अवकाश की सुविधा, ठीक है, पता है महामारी के दौरान, ठीक है। पता है ये चर्चा में क्यों है? ये तो एक्चुअली चर्चा में इसलिए ना क्योंकि अर्जी डाली गई थी कि जो 2 दिनों की छुट्टी मिलती है ना महिलाओं को महावारी के दौरान, उसको रद्द कर दिया जाए। बट सुशील कुमार मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। तो हर महीने महावारी के दौरान, ठीक है, जो पीरियड्स होता है उसके दौरान महिला कर्मियों को 2 दिनों का विशेष अवकाश देने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य है भारत का, ठीक है। राज्य में यह आदेश जो है 2 जनवरी 1992 से लागू है। तत्कालीन नीतीश कुमार लालू प्रसाद ने इसे मंजूरी दी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जब इसको मंजूरी दिया गया था कि महावारी के दौरान 2 दिनों की छुट्टी दी जाएगी महीने में, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो लालू प्रसाद थे। 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय खुलेंगे। तो राज्य के जो 32 जिले हैं उसमें 100 प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो सामुदायिक पुस्तकालय खोले जा रहे हैं उनका संचालन कौन करेंगे? तो जीविका दीदी जो है उनका संचालन करेंगी। लाइब्रेरी संचालन करने वाली जो जीविका दीदी हैं वो मैट्रिक पास होंगी और उनको मानदेय कितना मिलेगा? तो 6,000 रुपये मिलेगा। तो हमारे लिए यहाँ से एक फैक्ट ही इम्पॉर्टेंट है कि जो 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय जो खोला जा रहा है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। बिहार के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में जीता है स्वर्ण पदक? अब देखो गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं और भाला फेंक तो भी जैवलिन थ्रो तो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट में चल रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अंजनी कुमारी जो है जो कि जमुई की हैं, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया है। और ये जो भाला फेंक वाला प्रतियोगिता हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कब? तो 15 अप्रैल 2023 को। इन्होंने ना 47.03 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है।
तो इसको भी याद रखिएगा 47.03 मीटर। विश्व स्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, कितना सुंदर लगेगा बनेगा तो, और 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिएगा 12 मार्च 2023 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने बताया कि राज्य की जो राजधानी है पटना, उसके बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर स्थित रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की गई है। और पता है आपको, ये जो मुजफ्फरपुर को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की जो बात की जा रही है, ये दो फेज़ में पूरा होगा। पहला फेज़ का काम जो है 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, और दूसरे फेज़ का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा तो 2025 तक। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि मुजफ्फरपुर को जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने जाने की बात की गई है, वो दो फेज़ में पूरा होगा। एक आपका 2024 तक पहला फेज़, और 2025 तक दूसरा फेज़। इसका लास्ट है इंद्रव्रज ऐप। ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया था, इंद्रव्रज ऐप को। इसमें क्या होगा ना कि 20 किलोमीटर की दायरे में बिजली गिरने से कम आपको 40 मिनट पहले चेतावनी मिल जाएगी। अगर मान लो कि इस 20 किलोमीटर के एरिया में ना अगर बिजली गिरने वाली है, थंडरिंग से बिजली गिरने वाली है, तो आपको ना 40 मिनट पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ताकि आप अलर्ट हो जाओ। देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएट है इंद्रव्रज ऐप के माध्यम से। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि अब से मैं आपको डेली 5-5 क्वेश्चन भी दूंगी, तो आज का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब तो मैं तो बोलती हूँ, अब देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग रियली में एक्टिव होके, जितने लोग देखते हो ना उतने लोग का कमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं आज इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप लोग भी कितने एक्टिव रूप से जो है वीडियो को देख रहे हो, और कितना इंटरेस्ट लेके। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अभी से डेली 5 क्वेश्चन भी डेली करते हो तो 60-25 कितना हो जाएगा, 300 क्वेश्चन आपका ऐसे देखते देखते बस मज़े में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल तो आप लोग का, हाँ मुझे याद आ गया, कल आप लोग का 7:00 पे क्या होगा ना, ठीक है, 6:30 से 7:00 के बीच में आप लोगों का टॉप 30 MCQs होगा, ठीक है, करेंट अफेयर्स का। आप लोग पढ़ के आना, वैसे मैंने ग्रुप में सभी को मैसेज कर दिया है, जो ग्रुप में नहीं है उनके लिए डे 10 से लेकर डे 17 तक का PDF आप रिवाइज कर लेना। कल मैं क्वेश्चन यहीं से करवाने वाली हूँ, 30 क्वेश्चन, और इस बार क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं हो कि वन लाइनर वाले होंगे, इस बार क्वेश्चन आपको ज़्यादा स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। तो एकदम इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने के लिए ना एकदम बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता होती है। और कल मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, वो तो कल लास्ट में क्लास में आप लोग फीडबैक दीजिएगा ही, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ के आइएगा PDF 10 से लेकर 7 तक का, ठीक है। तो सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।